it's just the, like, जी ज्वेलरी वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो मिनी को गहनों का बहुत शौक नहीं है. हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त शाहीन अब्बास, उनकी ज्वेलरी डिस्प्ले हो रही है, तो शाहीन को सपोर्ट करने आए हैं और देखने आए हैं उनके क्या डिज़ाइन है. जी अगर मिनी को कुछ पसंद आएगा तो कर देंगे. क्या चल रहा है? ये मैं बहुत बारी आगे भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा एक इंटॉलरेंस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और जब भी ये कुछ बोलता है, जिस किस्म से उनको अटैक किया जाता है वो ही दिखाता है किस किस्म का इंटॉलरेंस है. कल जो आमिर ने कहा, जिस किस्म का उन पर अटैक हो रहा है कि उनका, वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंटॉलरेंट तो उसका मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और बाहर चले जाओ, आती है बकवास है. वो सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, एक थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो रहा है. और अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है. देखिए, इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है, यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं. जब आमिर कहते हैं कि उन्हें इंटॉलरेंस लग रहा है, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आजकल का माहौल इंटॉलरेंट है. उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा मुल्क इंटॉलरेंट है. मुल्क इंटॉलरेंट उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला किरण ने इस किस्म की बात कही, उसका मतलब देखिए कि मूड का क्या मतलब है. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए स्टेटमेंट. उन्होंने कहा इतना बुरा हमें लग रहा है, आजकल की माहौल इतना बुरा है कि किरण इस किस्म के सवाल भी कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किरण बोल रही चलो उठ के चले जाएं. वो कह रहे हैं कि इस किस्म के सवाल भी आदमी के दिमाग में उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, यही तो है हमारा मुल्क. तो इस किस्म के सवाल का मतलब इंटॉलरेंस है. अगर इस किस्म का अटैक उन पर किया जा रहा है, क्यों छोड़ेंगे वो? वो तो हिंदुस्तान की शान है, वो कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान को छोड़ के? अगर अगर हिंदुस्तान का नाम लोग बाहर जानते हैं तो वो आमिर खान की वजह से बहुत एक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. अब अनुपम खेर जी का क्या एजेंडा है मुझे नहीं मालूम, वो क्या किस लिए वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आगे रख रहा हूँ. एंड आई टोटली सपोर्ट जो आमिर कह रहे हैं, टोटली सपोर्ट जो शाहरुख ने कहा था. देखिए मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरे को तो मजाक लगता है कि मतलब 8 सेकंड का किस देख लेंगे तो हम ठीक है और 30 सेकंड का देखेंगे तो हमारा जो मुल्क है वो बिखर जाएगा. ये अजीब बात है. मतलब एक किस है, एक एडल्ट फिल्म है, आपको सर्टिफिकेशन देंगे, हम टिकट खरीद के जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ किस चल रहा है तो सारे बच्चों को जबरदस्ती उसमें डाल रहे हो, बोल रहे हैं आप किस देखो. टिकट खरीद के जाना पड़ता है 300-400 रुपए का, जिसको देखना देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे. लेकिन इस किस्म की चीज़ें कि यार 40 सेकंड का किस बहुत लंबा होता है, इसको हम 8 सेकंड कर लेते हैं, ये तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर के लिए भी एक डिसरिस्पेक्ट है. क्योंकि हर फिल्म का एक रिदम होता है, एक एडिट पैटर्न होता है, उसमें आप बोलेंगे ये काट दो, वो काट दो, ये काट दो, क्योंकि हमारी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी ना. हमारी सभ्यता, हमारा मुल्क इतना डेलिकेट है कि एक किससे हम बर्बाद हो जाएंगे. अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा यार, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ. जी ऋतिक से बात चल रही है और भी एक्टर्स के साथ चल रही है. ऋतिक के साथ साजिद और मेरी काफ़ी एक एडवांस बात चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली फिल्म तभी होती है जब कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए जिससे ऋतिक भी खुश हो, मैं भी खुश हो. जब वो आएगी कहानी तो हम 100% काम करेंगे. थैंक यू. हेलो, asking the question. मैंने बहुत सुंदर रिंग पहन रखी है. आई थिंक मुझे आज वेस्टर्न कपड़े पहनने थे, सो आई वॉन्टेड समथिंग वेरी एजी टू वेयर विद माई आउटफिट. सो शाहीन वेरी स्वीटली गेव मी दिस ब्यूटिफुल रिंग, एंड मुझे रिंग्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, सो आई एम वेरी प्लीज. एक्चुअली ज्वेलरी और मेरा नाता बहुत कठिन रहा है, क्योंकि हमारे घर ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, तो हमारे सारे गहने चले गए. सो आई एक्चुअली फील वेरी स्पेशल व्हेन आई वेयर रिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ माई मदर्स ज्वेलरी वॉज स्टोलन, सो आई डोंट हैव एनीथिंग रियली. आई एम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, बट एज एन इंडियन
as an Indian resident and a true blue Indian lover, I think that India is a very, very pluralistic society where people live in tandem very happily. However, in any democracy, in any society, when there are so many religions coexisting, so many cultures coexisting, there will always be some element of communal friction. So we have to take everything with a pinch of salt. ऐसी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है. मैंने टॉलरेंस भी देखी है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखी है. आई मीन हमारी जो हायरार्की होती है रिलीजन को भी ना लो तो, अगर आप देखो कि कोई अपने नीचे वाले को कैसे के साथ कैसे बिहेव करेगा. मैं सेट पे देखती हूँ कभी कभार कि कोई बड़े मतलब आदमी किसी छोटे आदमी को कैसे बात करते हैं. तो यहाँ पर हायरार्की बहुत है इंडिया में, एंड इगैलिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि कम है. नहीं, मैं किसी और की स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है. मैं सिर्फ 5 साल से रह रही हूँ इंडिया में, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अलग है किसी और से. एंड मैं ऐसी मतलब माइंडसेट के साथ आ रही हूँ कि मैं बाहर विदेश में बड़ी हुई हूँ, सो इट्स नॉट फेयर ऑल्सो फॉर मी टू जज बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेस फॉर मी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, और आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि आप ऐसे सोचते या ऐसे नहीं सोचते, बिकॉज इट्स अ डिस्कशन दैट वी नीड टू हैव. एंड एज एक्टर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी एबल टू हैव दिस डिस्कशन विदाउट बींग द सब्जेक्ट ऑफ विट्रियॉल और ट्रोलिंग ऑन द इंटरनेट. People, it's freedom of speech is one of the founding principles of the Indian Constitution. And if an actor or any public figure or any individual doesn't have a right to freedom of speech without a backlash, then I think that's a very big problem. Anji? Ji, main abhi ek film kar rahi hu Shambhala, jo abhi Kullu Manali mein shoot ho raha hai. Main abhi 2 din ke liye wapas aayi hu Bombay ke liye. To bahut maza aa raha hai, thand lag rahi hai wahan pe. Thank you. बारिश आ रही है, बारिश आ रही है.